मोगा द्वारा मनाया गया दशहरा। जी हाँ, मोगा में 26 अक्टूबर यानी कि आज पंजाब के मोगा शहर में नवीन कला मंदिर की तरफ से मोगा में दशहरा का आयोजन किया गया। यह दशहरा प्रोग्राम मोगा की सब्जी मंडी के मैदान में किया गया। गौरतलब है कि कोरोना काल के चलते इस बार दशहरा में पिछले सालों जैसे रौनक नहीं रही, फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं था। इस बार रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले भी पिछले सालों से छोटे बनाए गए व पुतलों में पटाखे भी नहीं डाले गए। इस अवसर पर नवीन कला मंदिर की तरफ से दशहरा का 61वां कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉक्टर मालती थापर, विजय धीर व शहर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर नवीन कला मंदिर के प्रधान रमेश कुकू, ज्वाइंट सेक्रेटरी रमण मक्कड़, सेक्रेटरी तरुण सिंगला, भारती बंसल, प्रोजेक्ट इंचार्ज बिट्टू गांधी, हरीश जिंदल व सभी सदस्य उपस्थित हुए एवं इस कार्यक्रम में भाग लिया। देखें मोगा से चरणजीत सिंह की यह रिपोर्ट। लाख लाख मुबारकबाद देनी है और परमात्मा के यही कामना करती हैं कि ये त्योहार और दूसरे सारे त्योहार जेडे अगे आने हैं वो थोड़े सारिया के लिए शुभ साबित हो। पिछले 9 महीनों तो जो असि कोरोना की मार झेल रहे हैं, जो असि सारे सफर कर रहे हैं, उस साडे पंजाब च नहीं, हिंदुस्तान च नहीं, बल्कि सारी दुनिया दे विच एक किस्म की नमोशी छाई हुई है। साडे मना दे विच एक ऐसी उदासी छाई हुई है जिदा कि अजे सानू महसूस हुंदा है कि इहदा जिहड़ा अंत है वो काफी अजे समा लेगा। पर मैं एक तुहानू बेनती करना चाहनी हाँ सारिआं नू कि जिथे दशहरे का त्यौहार आपा मनाने हैं कि बदी के उपर नेकी की जित हुई सी, इस तरह मैं तुहानू दसना चाहनी हाँ कि अगर पिछले 9 महीनों चो जो साडे विच उदासी आई है या जो साडे विच करोना करके डिप्रेशन आया है वो भी ज्यादा देर नहीं रहेगा। Patrol up, patrol up!